इससे पहले दोस्तों एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि आखिर दुनिया की वो कौन सी ऐसी 10 कंट्रीज हैं जहां पर पूरे साल भर का एवरेज टेम्परेचर निकाल कर वो सबसे ज़रा ठंडी साबित हुई हैं। लेकिन आज बात ठंडी कंट्रीज़ की नहीं बल्कि गर्म कंट्रीज़ की होने वाली है। शायद आप में से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें इंडिया का नाम भी ज़रूर होगा, तो चलिए पूरी वीडियो को देखिए और देखिए क्या कहीं हमारे देश का भी यहाँ नाम तो नहीं आता। वीडियो इंटरेस्टिंग तो रहने वाली है, तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखिए। ये रिपोर्ट भी दोस्तों सभी कंट्रीज़ के सर्दियों के मौसम के टेम्परेचर को और गर्मियों के मौसम के टेम्परेचर को मिलाकर एवरेज टेम्परेचर निकाला गया है, और इसी तरीके से टॉप 10 हॉटेस्ट कंट्रीज़ की रिपोर्ट तैयार हो पाई है। नंबर 10 पर नाम आता है बेनिन का। शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने ना इस कंट्री का पहले कभी नाम भी सुना नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वेस्ट अफ्रीका में बसी इस कंट्री की ना टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 1,25,00,000 के आसपास है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग आपको गरीबी में गिरे हुए नज़र आएंगे और डेजर्ट्स की भी इस देश में काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में आपको दोस्तों खूबसूरती देखने को मिलेगी। यही वजह है कि गर्मी ना यहाँ एक्सट्रीम लेवल की पड़ती है और 8 से 10 महीनों तक तो कई बार यहाँ गर्मियों का ही मौसम देखने को मिलता है, ठंडी काफ़ी कम रहती है, जिसके चलते पूरे देश का एवरेज ईयरली टेम्परेचर बनता है 27.55 डिग्री सेल्सियस। नंबर 9 की बात करें तो नाम आता है पलाऊ का। एक और खूबसूरत कंट्री हमारी इस लिस्ट में जगह बना चुकी है, और पलाऊ के बारे में तो दोस्तों हम एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके लिए पहले ही बना चुके हैं, उसे देखने के लिए चैनल दोबारा से विजिट कर लेना इस वीडियो के बाद। पलाऊ जो कि असल में दोस्तों ओशनी में बसी हुई एक कंट्री है, लेकिन आपको बता दूँ यहाँ एक्सट्रीम लेवल की गर्मी तो वैसे बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती, और सही में यहाँ मौसम काफ़ी सुहावना होता है, लेकिन एवरेज ईयरली टेम्परेचर में ये इसलिए इतना ज़्यादा ऊपर रैंक करती है क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 12 मंथ ही दोस्तों ऐसा समय होता है जब बिल्कुल भी ठंड देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि दोस्तों इस देश में आपको टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा एवरेज तौर पर अच्छा देखने को मिलेगा, और बीचेस की खूबसूरती पर भी लोग इसीलिए हर समय घूमते रहते हैं क्योंकि दोस्तों गर्मी का सीज़न होता है तो लोग तो घूमने का मजाक करेंगे ही। पलाऊ का दोस्तों एवरेज ईयरली टेम्परेचर निकला है 27.60 डिग्री सेल्सियस। नंबर 8 पर नाम आता है मालदीव्स का। अब आप सब कहेंगे कि इसका मौसम तो बेहद ही सुहावना है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। सुहावना मौसम हमें तभी लगता है जब किसी जगह पर अच्छे से खूबसूरत पानी हो, बीचेस हों और बिल्कुल सनशाइन खिली हो। मालदीव्स का दोस्तों ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एवरेज ईयरली टेम्परेचर देखने को मिलता है 27.65 डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 8वीं सबसे ज़्यादा दोस्तों गर्म कंट्री बनती है। हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये गर्म कंट्रीज़ तो ज़रूर हैं लेकिन यहाँ का टेम्परेचर तो काफ़ी सुहावने मौसम की तरह है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि असल में गर्म कंट्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर किसी जगह एक बार आपको 50 या फिर 60 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिल जाए, ऐसा तो दोस्तों एक स्पेसिफिक जगह में ही देखने को मिल सकता है। अब जैसे इंडिया में दोस्तों कई बार तो आपको 50 डिग्री सेल्सियस का मौसम भी देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया का एवरेज अगर मैं आपको टेम्परेचर ईयरली बताऊँ तो वो है सिर्फ 23.65 डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से तो इंडिया का वेदर काफ़ी ज़्यादा सुहावना ही माना जाएगा। बस इसी तरीके से दोस्तों ये सभी रिपोर्ट तैयार हो पाती हैं ठंडी कंट्रीज़ की और गर्म कंट्रीज़ की। अब आपको इंडिया का एवरेज टेम्परेचर पता चल चुका है, तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि इंडिया ना टॉप 10 हॉटेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन इंडिया में ही कई ऐसी गर्म जगहें हैं जहां पर 48 डिग्री तक टेम्परेचर टच करता है कुछ दिनों के लिए। वैसे ही दोस्तों इन टॉप 10 कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसी प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगी जहां टेम्परेचर 55 डिग्री तक भी टच कर जाता है, लेकिन अगर एवरेज पूरे देश की निकालें तो मौसम देखने को सुहावना लगता है, लेकिन असल में यही बेहद ही ज़्यादा गर्म कंट्रीज़ हैं। नंबर 7 की ओर बढ़े तो दोस्तों नाम आता है मॉरिटानिया का। आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि आखिर ये कौन सा देश और कहां पर है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मॉरिटानिया असल में अफ्रीका का एक देश है, और दोस्तों असल में ये एक इस्लामिक देश है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये काफ़ी ज़्यादा गरीबी में गिरा हुआ देश है, और यहाँ के ज़्यादातर इलाकों में आपको हमेशा ही गर्मी देखने को मिलेगी। बहुत सारे तो यहाँ के ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस को भी कई बार टच करता है।
आंकड़ों के अनुसार मॉरिटानिया का एवरेज ईयरली टेम्परेचर रहता है 27.78 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से दोस्तों एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से ये पूरी दुनिया की बनती है 7वीं सबसे ज़्यादा गर्म कंट्री। नंबर 6 की ही बात करें तो नाम आता है सेनेगल। सेनेगल असल में दोस्तों एक वेस्ट अफ्रीका में मौजूद कंट्री है। यहाँ के हालात भी दोस्तों काफ़ी ख़राब है। तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी वाला ये देश वैसे खूबसूरती के मामले में तो कमाल लगता है। बीचेस की खूबसूरती है, नेचर ने इसे अच्छे तरीके से दोस्तों सुंदरता बख्शी है। गर्मी वैसे यहाँ काफ़ी देखने को मिलती है, लेकिन ट्रीज की यहाँ कोई कमी नहीं है, जिसके चलते ठंडी हवाएं भी अक्सर चलती रहती हैं। लेकिन एवरेज ईयर टेम्परेचर में ये इतना ज़्यादा हाई लेवल पर रैंक करती है क्योंकि यहाँ ठंड का बिल्कुल नामोनिशान नहीं है। सेनेगल का दोस्तों एवरेज ईयरली टेम्परेचर है 27.85 डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 6वीं सबसे ज़्यादा दोस्तों गर्म कंट्री है। नंबर 5 की बात करें तो नाम आता है टूवालू का। एक और अजीब से नाम वाली कंट्री हमारी लिस्ट को हिट कर चुकी है। टूवालू असल में दोस्तों ओशनिया में मौजूद एक खूबसूरत कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ये टूवालू ओशनिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा देश तो माना ही जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जाना जाता है अपने साफ पानी के चलते, खूबसूरत बीचेस के चलते। हालांकि गर्मी यहाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल की तो नहीं होती, लेकिन ठंड का नामो निशान देखने को नहीं मिलता, जिसके चलते एवरेज टेम्परेचर ना यहाँ ईयरली काफ़ी ज़्यादा हाई बना रहता है। यही वजह है कि आज के दिन ये दुनिया की हॉटेस्ट कंट्रीज में अपनी जगह बना पाई है। टूवालू का दोस्तों एवरेज ईयरली टेम्परेचर रहता है 28 डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा गर्म दर्जे की कंट्री है। नंबर 4 पर नाम आता है डिजिबोटी का, जो कि असल में दोस्तों एक ईस्ट अफ्रीका में मौजूद कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन तो सिर्फ 10 लाख के आसपास है, लेकिन गरीबी की समस्या यहाँ बहुत है दोस्तों। करप्शन बेहद ही ज़्यादा है, प्रोटेस्ट करते हुए लोग अक्सर ही आपको नजर आएंगे। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई बार टेम्परेचर यहाँ पर आपको 50 डिग्री को टच करता हुआ भी नज़र आ जाता है कुछ इलाकों में, जिसके चलते इसका एवरेज ईयरली टेम्परेचर निकला है 28.10 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3 पर नाम आता है किरीबाटी का। किरीबाटी एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत सा देश, लेकिन गरीबी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है। ओशनिया में मौजूद ये कमाल देश दोस्तों अपने समुद्री तटों के लिए और बीचेस के लिए पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। खूबसूरत तो वैसे ये देश खूब है, लेकिन यहाँ परेशान ये है कि लोगों के पास पैसे की भी बेहद ही ज़्यादा कमी है और अपॉर्चुनिटीज़ की भी। यही वजह है कि यहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा लो दर्जे का है। किरीबाटी का आज के दिन दोस्तों एवरेज ईयरली टेम्परेचर रहता है 28.20 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 की कंट्री की बात करें तो नाम आता है माली का। माली असल में दोस्तों ये भी वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन तो 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन गरीबी यहाँ बहुत है, करप्शन बहुत है, क्राइम हाई लेवल का है। हर जगह आपको मट्टी उड़ती हुई दिखाई देगी, इतनी ज़्यादा बेकार लेवल की हालत है, और डेजर्ट्स यहाँ बिल्कुल भरे पड़े हैं। हालत तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन गर्मी भी ना लोगों को यहाँ खूब परेशान करती है। कुछ जगह पर तो दोस्तों यहाँ पर आपको माली में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस को भी पार करता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पर सही में गर्मी एक्सट्रीम लेवल की पड़ती है। यही वजह है कि यहाँ का एवरेज ईयरली टेम्परेचर भी 28.55 डिग्री सेल्सियस को पार करता है। नंबर 1 पर नाम आता है बुर्किना फासो का, जो कि आज के दिन पूरी दुनिया का दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्म दर्जे का देश है 93 बड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार। और ये दोस्तों रिपोर्ट्स तैयार हुई हैं 1961 के साल से लेकर 2020 के साल के टेम्परेचर को मिलाकर सभी कंट्रीज़ की। काफ़ी बड़े दर्जे की दोस्तों ये रिपोर्ट है, लगातार 60 साल की इंफॉर्मेशन के बाद, 60 साल के डाटा के बाद। ये भी असल में एक वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, और सही में वेस्ट अफ्रीकन देश ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ये तो हमें अब पता चल ही चुका है। बुर्किना फासो की पॉपुलेशन तो तकरीबन 2 करोड़ है, जिसमें से आपको 98% लोग बेहद ही ज़्यादा गरीब नज़र आएंगे। देश में लोग खेती बाड़ी तो करते हैं, लेकिन करप्शन इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास कोई पैसा बचता नहीं, और ऊपर से दोस्तों लोग बेहद ही ज़्यादा परेशान रहते हैं अच्छी टेक्नोलॉजी और एयर कंडीशनर की सुविधा ना होने के चलते, क्योंकि पैसे की कमी है। तो ये सब दोस्तों यहाँ बिल्कुल ही नहीं होगा लोगों के पास। यही वजह है कि गर्मी से लोग परेशान रहते हैं, और यहाँ का एवरेज ईयरली टेम्परेचर है 28.29 डिग्री सेल्सियस।
और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की आज के दिन बनती है सबसे ज़्यादा गर्म दर्जे की कंट्री। इन 10 कंट्रीज़ के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताना, और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल अभी रॉक फैक्ट सब्सक्राइब कीजिए।